वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बैन-उल-अक़वामी बुकला कॉन्फ्रेंस 2023 का करेंगे इफ्तिताह। मुल्क में पहली बार मुनाक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में उभरते हुए कानूनी रुझानात, सरहद पार से कानूनी चाराजोई के चैलेंजेस, कानूनी टेक्नोलॉजी, माहौलियाती कानून व वगैरह पर की जाएगी बहस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज होंगे वाराणसी के एक रोज़ा दौरे पर। पीएम मोदी काशी समेत पूर्वांचल के लोगों को एक बैन-उल-अक़वामी स्टेडियम का देंगे तोहफा। वो अटल रिहायशी स्कूल का भी करेंगे इफ्तिताह। पीएम मोदी काशी एमपी कल्चरल फेस्टिवल 2023 की खितामी तकरीब में भी करेंगे शिरकत। अक़्वामे मुत्तहिदा में भारत ने पाकिस्तान को किया खबरदार कि वो भारत के अंदरूनी मामलात में ना दे मदाखलत। कहा कि पाकिस्तान अक़्वामे मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म का करता है गलत इस्तेमाल। कहा कि जम्मू कश्मीर है भारत का अटूट और लाजिम हिस्सा। वजीर ख्वाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में क्वाड ममालिक के वज़राए ख्वाजा के साथ किया तबादला ख्याल। मीटिंग में हिंद बहरुल काहिल खत्ते में कवानीन पर मबनी बैन-उल-अक़वामी ज़ाब्तों के दिफा पर किया गया तबादला ख्याल। मीटिंग के मौके पर जापान के वजीर ख़ारिजा योको कामिकावा से की मुलाकात। और मोहाली में खेले गए पहले वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से दी शिकस्त। शुभमन और ऋतुराज, लोकेश राहुल और सूर्य कुमार यादव ने स्कोर की निफ सेंचुरीज। मोहम्मद शामी ने किए 5 विकेट और भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में हासिल कर ली 0-1 की बढ़तरी। चीन के शहर हांगजू में आज होगा 19वें एशियन गेम्स का बाजाब्ता आगाज। भारत ने भेजी 655 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम। एशियन गेम्स में 40 खेलों के लिए होंगे 481 मुकाबले। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बैन-उल-अक़वामी बुकला कॉन्फ्रेंस 2023 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम से खिताब भी करेंगे। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंसाफ की फरहमी के निज़ाम में उभरते हुए चैलेंजेस के उन्वान पर किया है। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तलिफ कानूनी मौजूदात पर बामानी मकालमे और बहस के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। इस मौके पर कौमी और बैन-उल-अक़वामी अहमियत के उमूर पर गौर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में उभरते हुए कानूनी रुझानात, सरहद पार कानूनी चाराजोई के चैलेंजेस, कानूनी टेक्नोलॉजी, माहौलियाती कानून वगैरह पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और इसके अलावा कानूनी मौजूदात पर बैन-उल-अक़वामी ताबुन और इफ़हाम तफहीम को मजबूत किया जाएगा। मुल्क में पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। तकरीब में नामवर जजेस, कानूनी माहिरीन और आलमी कानूनी बरादरी के माहिरीन शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी के दौरे पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी को कई तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा देंगे। वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में तामीर होने वाला जदीद बैन-उल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम तकरीबन 450 करोड़ रुपये की लागत से 30 एकड़ से ज्यादा के रकबे में तामीर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी के अपने दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश में बनाए गए 16 अटल रिहायशी स्कूलों का भी इफ्तिताह करेंगे। तकरीबन 1115 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए स्कूल खास तौर पर मजदूरों, तामीराती कारकुनों और कोविड-19 की वबा की वजह से यतीम होने वाले बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। इन रिहायशी स्कूलों में तकरीबन 1000 तलबा की गुंजाइश होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी काशी सनत कल्चरल फेस्टिवल 2023 की खितामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में टीम G20 के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने वाले लोगों से बातचीत की। इनमें खास तौर पर वो लोग शामिल थे जिन्होंने समिट के अंदर इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए निचली सतह पर काम किया। इनमें सफाई कारकुन, ड्राइवर, वेटर और मुख्तलिफ वजारतों के दीगर मुलाजमीन शामिल हैं।
इस बातचीत में मुख्तलिफ वजारतों के वुजरा और मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम ने भी शिरकत की। पीएम मोदी ने कहा कि आज के वक्त में दुनिया ने यह यकीन पैदा किया है कि भारत इंसानी मफाद के कामों के लिए मजबूत खड़ा है। वजीर आजम ने प्रोग्राम को मजदूर इत्तेहाद के लिए वफ किया। उन्होंने टीम वर्क के जज्बे की सताइश की। जिस पल हम किसी और के सामर्थ्य को जानते हैं, उसके एफर्ट्स को जानते हैं, तब हमें ईर्ष्या भाव नहीं होता है, हमें अपने भीतर झोंकने का अवसर मिलता है। अच्छा, मैं तो कल तक सोचता था यार मैंने ही सब कुछ किया, लेकिन आज पता चला कि इतने लोगों ने किया है। ये बात सही है कि आप लोग न टीवी में आए होंगे, न आपके अखबार में फोटो छपी होगी, न कहीं नाम छपा होगा। नाम तो उन लोगों के छपते होंगे जिसने कभी पसीना भी नहीं बहाया होगा, क्योंकि उनकी महारत उसमें है। और हम सब तो मजदूर हैं, और आज कार्यक्रम भी तो मजदूर एकता जिंदाबाद का है। मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूं, आप छोटे मजदूर हैं, लेकिन हम सब मजदूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेलों की तंजीम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 इवेंट ने दुनिया को मुल्क की सलाहियतों से रोशनास कराया। कुछ साल पहले हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स का कार्यक्रम हुआ था। किसी को भी कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा करोगे तो दिल्ली या दिल्ली बाहर का व्यक्ति, उसके मन पे छवि क्या बनती है। सचमुच में वो एक ऐसा अवसर था कि हम देश का ब्रांडिंग कर देते, देश की एक पहचान बना देते, देश के सामर्थ्य को बढ़ा भी देते और देश के सामर्थ्य को दिखा भी देते। लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसी चीजों में वो इवेंट उलझ गया। दूसरी तरफ G20, ऐसा तो नहीं है कि कमियां नहीं रही होगी, ऐसा तो नहीं है जो चाहा था उसमें 9900 के नीचे ग्रहे नहीं होंगे। कोई 94 पहुंचे होंगे, कोई 99 पहुंचे और कोई 102 भी हो गए होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एक क्यूम्युलेटिव इफेक्ट था, वो इफेक्ट देश के सामर्थ्य को, विश्व को उसके दर्शन कराने में हमारी सफलता थी। मेरे लिए आनंद का विषय यह है कि अब मेरे देश में एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया है कि ऐसे किसी भी काम को वे अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने साथ काम करने वाले लोगों की सलाहियतों को पहचानना चाहिए, तभी हैरतअंगेज नताइज हासिल होते हैं। हमेशा अपने से ऊपर जो लोग हैं वो, और अपने हम जिनसे काम लेते हैं वो, इनसे हायरार्की और प्रोटोकॉल की दुनिया से कभी बाहर निकल करके देखना चाहिए। हमें कल्पना तक नहीं होती है कि उन लोगों में ऐसा कैसा सामर्थ्य होता है। और जब आप अपने साथियों की शक्ति को पहचानते हैं तो आपको एक अद्भुत परिणाम मिलता है। और नाजरीन, आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी महाना प्रोग्राम मन की बात के तहत कल यानी कि इतवार को अपने ख्यालात आवाम के साथ मुश्तरक करेंगे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के एक रोजा दौरे पर होंगे। अपने एक रोजा दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया राजस्थान के दूदू जिले में संत शिरोमणि धनन्ना भगत की जाय पैदाइश नोखा नाड़ी चोरो जाएंगे और मंदिर में पूजा करेंगे। इस दौरान श्री धनखड़ भद्र पद शुल्क अष्टमी महीने के मेले के प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे।
भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली की दूसरी कमेटी में फर्स्ट सेक्रेटरी पटेल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान को हमारे मुल्की मामलात पर तबसरा करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ मर्जियां होती हैं और इस पर उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। और उन्होंने पटेल गहलोत ने जम्मू कश्मीर कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है। Pakistan has become a habitual offender when it comes to misusing this August forum to peddle baseless and malicious propaganda against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate that the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral part of India. Matters pertaining to the UTs of J&K and Ladakh are purely internal to India. Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. As a country with one of the world's worst human rights records, particularly when it comes to minority and women's rights, Pakistan would do well to put its own house in order before venturing to point a finger at the world's largest democracy. A glaring example of the systemic violence against minorities in Pakistan was the large-scale brutality perpetrated against the minority Christian community in Jaranwala in Pakistan's Faisalabad district in August 2023, where a total of 19 churches were gutted and 89 Christian houses were burnt down. Similar treatment has been meted out to the Ahmadiyyas, whose places of worship have been demolished. The condition of women belonging to minority communities in Pakistan, notably Hindus, Sikhs and Christians, remains deplorable. According to a recent report published by Pakistan's own Human Rights Commission, an estimated 1,000 women from minority communities are subjected to abduction and forced conversion and marriage in Pakistan every year. Pakistan has been the home and patron to the largest number of internationally proscribed terrorist entities and individuals in the world. Instead of engaging in technical sophistry, we call upon Pakistan to take credible and verifiable action against the perpetrators of the Mumbai terror attacks, whose victims await justice even after 15 years. In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. I thank you, Mr. President. और चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीन ने कभी भी किसी मुतनाजा भारतीय रियासत को मंजूरी नहीं दी है। मामला एशियन गेम्स में शिरकत करने वाले तीन भारतीय खिलाड़ियों को वीजा न देने से शुरू हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की शुमाल मशरिकी रियासत से ताल्लुक रखने वाले तीन भारतीय मार्शल आर्टिस्ट खिलाड़ी चीन की जानिब से उनकी वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद हांगजू में मुनाकिद होने वाले एशियन गेम्स 2023 में शिरकत नहीं कर सकेंगे। चीन ने कहा है कि वो एशियन गेम्स में शिरकत के लिए कानूनी दस्तावेजात के साथ हांगजू आने वाले हर मुल्क के खिलाड़ियों का खैर मकदम करता है। ताहम चीन मशरकी हिमालय में वाक़ अरुणाचल प्रदेश पर जनूबी तिब्बत के हिस्से के तौर पर दावा करता है और अप्रैल में उसने रियासत के 11 मकामात का नाम चीनी जबान में जांगनान या जनूबी तिब्बत रख दिया था। मरकजी हुकूमत ने हांगजू में होने वाले एशियन गेम्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को सरकारी तौर पर तस्लीम न करने पर चीन के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है और कहा है कि ये अमल खेल की रूह और उसके तर्ज अमल को नुकसान पहुंचाने वाला है। वजारत खारजा ने कहा है कि चीनी इकदाम के खिलाफ हमारे एहतजाज के तौर पर इतलात नशरियात और नौजवानों के उमूर और खेल के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए अपना चीन का तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया है। हांगजू एशियन गेम से कबल भारत और चीन के दरमियान तनाजा बढ़ गया है। दरअसल गेम से पहले चीन की एक मजमूम हरकत सामने आई है। इसने हांगजू एशियन गेम्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के तीन वुशू खिलाड़ियों को आखिरी लम्हात में वीजा देने से इनकार कर दिया। ये वही तीन खिलाड़ी हैं जिनके साथ चंद माह कबल चीन में मुनाकिद यूनिवर्सिटी गेम्स में चीन ने बदतमीजी की थी और उन्हें स्टेपल्ड वीजे दिए गए थे। अब दोबारा चीन ने इन तीनों को वीजा जारी नहीं किया।
ऐसे में ये तीनों भारतीय खिलाड़ी वुशु टीम के साथ हांगजू के लिए रवाना नहीं हो सके। भारतीय वुशु टीम के ये तीनों खिलाड़ी तेगा ओनीलो, लामगू मैपुंग, वाक्सू निमान टीम के साथ नहीं जा सके। भारत ने इस मामले में चीन को सख्त जवाब दिया है। वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने अपना दौराए चीन मनसूख कर दिया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि हुकूमत हिंद को मालूम हुआ है कि चीनी हुक्काम ने तयशुदा और सोचे समझे अंदाज में अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कुछ भारतीय खिलाड़ियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया है और उन्हें चीन के शहर हांगजू में मुनाकिद होने वाले 19वें एशियाई खेलों में तस्लीम करने और उनको दाखिला देने से इनकार किया है। भारत डोमिसाइल या नस्ल की बुनियाद पर भारतीय शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक को सख्ती से मुस्तरद करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और लाजिमो मलजूम हिस्सा था और रहेगा। चीन की जानिब से हमारे कुछ खिलाड़ियों की जानबूझकर और खास तरीके से रुकावटों के खिलाफ नई दिल्ली और बीजिंग में सख्त एहतजाज दर्ज कराया गया है। अरिंदम बागची ने कहा कि चीन की कार्रवाई एशियन गेम्स की रूह और इनके तर्ज अमल को नुकसान पहुंचा रही है। चीनी इकदाम के खिलाफ हमारे एहतजाज के तौर पर भारत के तलादो नशरियात और नौजवानों के उमूर के वजीर ने एशियाई खेलों के लिए अपना चीन का तयशुदा दौरा मंसूख कर दिया है। इस दौरान साबिक वजीर खेल क्रेन रिजिजू ने भी इस मामले पर चीन के इकदामात की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश मुतनाजा इलाका नहीं है बल्कि भारत का अटूट अंग है। चाइना ने जो कदम उठाया वो इलीगल है, अनएथिकल है। ओलंपिक चार्टर के अंदर किसी खिलाड़ी को किसी राजनीतिक कारण से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं उसके साथ और खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल के जितने भी खिलाड़ी थे सब अरुणाचल स्टेट से हैं मगर इंडिया के लिए, भारत देश के लिए खेलने जाने वाले थे। उनका वीज़ा रोकना ये बहुत ही नाइंसाफी कदम है और चाइना का जो कदम है उसको हम तो विरोध करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी विरोध करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले तीन भारतीय वुशु खिलाड़ियों को एशियाई खेलों के लिए चीन में दाखिले से मना किए जाने के मामले पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के कायम मकाम सदर रणधीर सिंह ने कहा कि यह मसला वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में उठाया गया है। We had a meeting yesterday of the working group as well, and it's been taken up in the working group meeting, and they're taking it up with the government, and we are also taking it up with the government. It's under discussion with us as well. This is outside what the government to government is happening. We are from the OCS side of it. We are doing it. दरअसल इस बार एशियन गेम्स चीन के शहर हांगजू में मुनाकिद हो रहे हैं। ये गेम्स 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। भारत की बात करें तो भारत इन खेलों में 655 खिलाड़ियों के अपने अब तक के सबसे बड़े दस्ते को मैदान में उतार रहा है। इसमें खवातीन की तादाद 328 और मर्दों की तादाद 325 है और ज्यादा से ज्यादा 68 खिलाड़ी एथलेटिक्स हैं। इनमें से 35 मर्द और 33 खवातीन हैं। भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार इस मुकाबले का हिस्सा बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और एक मुल्क एक इलेक्शन पर आज दिल्ली में आला सतही कमेटी की मीटिंग होगी। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की रिहाइशगाह पर होने वाली इस मीटिंग में 8 रुकनी आला सतही कमेटी को दिए गए इख्तियारात के तनाजुर में आगे बढ़ने के तरीकेकार पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास की सदारत साबिक सदर रामनाथ कोविंद करेंगे। 2 सितंबर को एक 8 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दी गई जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में अपोजिशन के साबिक लीडर गुलाम नबी आजाद, मालियाती कमीशन के साबिक चेयरमैन एनके सिंह के नाम शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने इस आला सतही कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए एक खत लिखा था। इसके अलावा सीनियर वकील हरीश सालवे, लोकसभा के साबिक जनरल सेक्रेटरी सुभाष कश्यप और साबिक सीवीसी संजय कोठारी भी इस कमेटी में शामिल हैं। वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल खसूसी मधु के तौर पर कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। कानून के महकमे के सेक्रेटरी नितिन चंद्रा इस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। और टोरंटो में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने कनाडा में भारतीय शहरियों के लिए कॉन्सुलर खिदमात को बढ़ाया है। ट्विटर पर शेयर की गई एक पोस्ट में टोरंटो में भारत ने कॉन्सुलेट जनरल ने कहा कि जिन
कौंसिलर खिदमात को बढ़ाया गया है। इनमें पासपोर्ट बनाना, तस्दीक, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट की जदीद शामिल है। 20 सितंबर को वजारत खारजा ने कनाडा में भारतीय शहरियों, तलबा और मुल्क का दौरा करने का इरादा रखने वाले लोगों को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में हालिया कशीदगी के दरमियान एहतियात बरतने का मशवरा दिया था। बुध को वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक भारतीय शहरियों और कनाडा में भारतीय तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो कनाडा में उन इलाकों और मुमकिन मकामात का सफ़र करने से गुरेज करें जहाँ भारतीय मुखालिफत सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। और अब पेश है दिल्ली से शायन उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालते हैं और कुछ अहम सुर्खियां अखबारों की इस तरह से हैं कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कॉम्प्लेक्स के साइंसी सर्वे का मुतालबा जो किया गया था वो मुस्तरद किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन इंतखाबात पुरअमन माहौल में ख़त्म पसीर हो गए। वाज़ेह रहे कि इसमें 24 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटानिया से यह खबर है जहां हिजाब पहनने वाली खवातीन की हौसला अफजाई की गई है और यहां पर पहला हिजाबी मुजस्मा तैयार किया गया है। चीन और शाम के सुदूर की मुलाकात हुई है और ये नई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का ऐलान है। आगे बढ़ते हैं, जहां सऊदी अरब जो है वो अपने 93वां योम हुबुल वतनी की तैयारियां कर रहा है और सऊदी डे मनाने की तैयारी उरूज पर है। मगरबी ममालिक की अफ्रीका में लूट मार तारिकीन वतन के बहरान की अहम वजह है। आपको बता दें कि ये उन्होंने बयान देकर ये बात कही है अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल इजलास में। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल के खबरों की, जहां चीन के शहर हांगजू में 19वें एशियन गेम्स का बाजाबता आगाज आज से होगा। भारत ने एशियन गेम्स में 655 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम भेजी है। एशियन गेम्स में 40 खेलों के लिए 481 मुकाबले होंगे और आइए जानते हैं एशियन गेम्स के लिए भारतीय दस्ते की तफसील। 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है चीन का हांगजू शहर, जहां 45 मुल्कों के 12,000 से ज्यादा एथलीट 40 खेल मुकाबलों में अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगे। भारत की बात करें तो मुल्क इन खेलों में 655 एथलीटों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दस्ता उतार रहा है। इसमें खवातीन की तादाद 328 और मर्दों की तादाद 325 है। सबसे ज्यादा 68 खिलाड़ी एथलीट से हैं। इनमें 45 मर्द और 33 खवातीन हैं। भारतीय क्रिकेट टीमें पहली बार इस मुकाबले का हिस्सा बनी हैं। मर्दों की टीम की कमान रुतराज गायकवाड़ और खवातीन की टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथ में है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और पहलवान बजरंग पुनिया सभी ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भी हांगजू में मुकाबले के लिए तैयार हैं। 19वें एशियाई खेलों में 74 पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा भी दिया जाएगा। 2018 एशियाई खेलों में भारत ने मेडल के मामले में अपना अब तक का सबसे अच्छा मुजाहरा किया, जहां मुल्क ने 16 सोने के तमगे समेत कुल 70 तमगे हासिल किए और तारीख रकम की। वैसे इस बार के एशियन गेम्स खास रहने वाला है। 13 साल के वक्फे के बाद शतरंज ने एशियाई खेलों में वापसी की है। रमेश बाबू प्रगणानंद को उनके आला मौजूदा फॉर्म को देखते हुए इस मुकाबले में मेडल के लिए मुल्क के सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं ई स्पोर्ट्स भी पहली बार एशियन गेम्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। वैसे एशियन गेम्स की तारीख में भारत ने अब तक 155 सोने के तमगे जीते हैं और उम्मीद यही है कि इस बार मुल्क इन खेलों में आलमी प्लेटफॉर्म पर खुद को उन खेलों में भी आगे रखने में कामयाब होगा जहां सिर्फ हिस्सा लेने का शोर नहीं बल्कि जीत का जोर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें।
और मजीद खेल की खबरों में, भारत ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मोहाली में खेले गए वनडे मैच में टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्रर 50 ओवर में 10 विकेटों के नुकसान पर 276 रन बनाए। भारत की जानिब से मोहम्मद शामी ने 5 विकेटें हासिल की। भारत ने 1996 के बाद यानी कि 27 साल बाद पहली बार मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच जीता है। इस ग्राउंड पर दोनों के दरमियान ये 6ठा मैच था। इनमें से भारत ने 2 और ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैच जीते हैं। 1996 के बाद अब भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्राउंड पर आखिरी 4 वनडे जीते थे। सीरीज का दूसरा वनडे 24 सितंबर को इंदौर में खेला जाएगा। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं इख्ताम पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।